अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता सदन की बात को भी मैंने सुना। मैं मेरे ऊपर जो घटना घटी है मैं उसी पे जिक्र करना चाहता हूं। क्षेत्र भ्रमण के तहत मैंने 5-10 मई को मैं निकला। सुबह 10:30 बजे 3 गांव के बाद 4थे गांव में गया। गाड़ी खड़ी करके हम लोग रामजी राजघर के दरवाजे पर पानी पी रहे थे। उसके बीच एक मोटरसाइकिल से कोई गया, आगे जाकर के लोगों में आगे से भी मोटरसाइकिल आई, दोनों भिड़ गए। विवाद हुआ, विवाद के बाद गांव से ही लाठी डंडा लेकर के चले आए मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ये मार करा रहे हैं। मैं सोचा ही नहीं, तब तक सुरक्षा कर्मी और हमारे साथ 25-30 लोग थे, उन लोगों ने बीच बचाव किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर लाठी डंडा लेके गाड़ी के आगे खड़े हो गए। फिर किसी तरह हम लोग वहां से निकले, तो मैंने अशोक करीमुद्दीनपुर को फोन किया, फिर मैंने एसपी को फोन किया, मैंने फोन एडीजी को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फोन किया, मैंने डीजी को भी फोन किया। 1.25 घंटा के बाद यशो की गाड़ी पहुंची, यशो से भी वो सब मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर किसी तरह वो हमको वहां से फिर निकाले कैसे, फिर एसपीआरए और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि चलिए इसको कैसे निपटा लिया, हमके हमको कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सामने तो उन लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये तय हुआ कि हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और एसपीआरए महोदय और एडिशनल एसपी ने मुझसे ये खुद कहा, और आप मंगा के देख लीजिएगा जो गाजीपुर ट्विटर पुलिस हैंडल, पुलिस का ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने दिया भी बयान है कि ओम प्रकाश राजभर बैठे थे बगल में, मोटरसाइकिल से विवाद हुआ, उनको नासमझ हुआ, उसके बाद लोग चले आए पूछताछ करने के लिए। तो जब जहां मारपीट हो रही तो कोई सीधे पूछताछ करने नहीं आएगा, लाठी डंडे से लैस आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शांतिप्रिय ढंग से बैठा था। खैर एसपीआरए महोदय ने हमारे तरफ से तहरीर लिया, मुकदमा लिख दिया और मुझसे कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करूंगा। हम लोग चले गए सभी लोग वहां से। अब 11 बजते रात दोनों अपराधी छोड़ दिए जाते, हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, फिर 17 लोगों के खिलाफ एक अज्ञात। जबकि पुलिस के ट्विटर हैंडल पे साफ साफ लिखा है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ये बात एसपीआरए महोदय हमारे उस समय मीटिंग गए थे, हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र जी गए थे, उस समय मौके पर थे, हमारे कई विधायक वहां पहुंच गए थे मौके पर। और स्थिति एसपीआरए और एडिशनल एसपी ने कहा कि नहीं, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। जब अभी हो रहा है मामला की जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जब विधायक के सामने यह घटना विधायक के साथ हो रही है और पुलिस खुद कह रही है कार्रवाई नहीं होगी, और पुलिस ने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया। मुझे मुकदमे की चिंता नहीं, मुझे चिंता सच्चाई की है। मैंने डीएम से भी कहा, डीएम ने कहा नहीं अन्याय हुआ है, लेकिन कौन सी मजबूरी पैदा हो गई कि मुकदमा लिख दिया जाता हमारे ऊपर? क्या कसूर हमारा वहां आ गया? मैं क्षेत्र भ्रमण करना छोड़ दूं? मान्यवर, इस विषय पर जो मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया 323, 504, 506, 147, 67, हम बैठ के किसी के दरवाजे पर पानी में पिए, कोई झगड़ा करे तो हमको समझ के आ जाए। आपने अपनी पूरी बात बता दी और कुछ तथ्यों तो बता दीजिए, फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय ओम प्रकाश जी जो इस सदन के सदस्य भी हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने बयान में इस बात को कहा है कि जो विवाद का कारण था उसको भी बताया और जिस प्रकार से घटना थी उसको बताया। लेकिन मान्यवर, जो पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हमारे पास आई है पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की तरफ से, उसमें यही दिया है कि दोनों तरफ से विवाद हुआ है और दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत हुआ,
मुकदमा क्राइम नंबर 99/22 147 323 504 506 जो आपकी तरफ से गाजीपुर में श्री सुरेंद्र राजभर पुत्र पारसनाथ के द्वारा लिखाया गया और आपके खिलाफ भी एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, क्राइम नंबर 100/22 धारा 147 323 504 506 IPC व 67 IT Act बनाम ओम प्रकाश राजभर आदि, और इसमें दोनों अभियोगों की विवेचना स्थानीय थाने में प्रचलित है मान्यवर, और हम आपके माध्यम से यह सदन को आश्वस्त करते हैं कि ये इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, यही इस समय कहने की आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं 3 तहरीर दी गई थी मेरे खिलाफ 2 बजे 3 में, मई का महीना 2 बजे 3 में, लड़के के बयान में वीडियो सुना दूं अभी, मैं गाय चराने गया था, ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में आए, मुझे मारे पीटे और गाय भाग दिए के लेके भाग जाओ यहाँ चराने मत आना, पहला वीडियो जारी हुआ। दूसरा वीडियो जारी होता है कि ओम प्रकाश राजभर प्रधान को लेकर सैकड़ों की संख्या में जमीन कब्जा करने आए, दूसरी तहरीर दी गई, फिर उसके जब नहीं तो तीसरी तहरीर दी गई, रात के 11 बजे मुकदमा लिखा गया है। मान्यवर ऐसे नहीं, मैं तो कहता हूं आज किसी मजिस्ट्रेट जांच करा दीजिए, मैं दोषी हूं, इसी सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, इसी सदन से इस्तीफा देकर जाऊंगा, ऐसा नहीं। इस तरह का रोल वहां पुलिस का है, सरकार के दबाव में काम हो रहा है, चाहे कुछ भी कहे कोई, नहीं तो मुकदमा किस आधार पर लिखा, मेरा क्या कसूर था, इस कसूर की जानकारी सिर्फ मुझे लेना है। महोदय नेता सदन है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ भी रहे हैं, आज हमारे साथ आ गए, इतनी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, कम से कम न्याय मिले उनको। मैं पहले इस बात को आश्वस्त कर चुका हूँ कि कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की बात भी नहीं है, ये दिमाग से भी निकाल दिया जाए मान्यवर, इसीलिए दिमाग से नहीं बात होनी चाहिए, दिमाग से क्या निकाल दिया जाए, ये भाषा होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की, नहीं मान्यवर ये किसी नहीं पार्लियामेंट मिनिस्टर की ये भाषा होगी कि दिमाग से निकाल दिया जाए, नहीं मेरा ये विषय ये भाषा होगी, उन्होंने कहा कि कोई ये दिमाग से निकाले कोई दुश्मनी नहीं है, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये बात ये सिर्फ इसलिए कही गई कि नहीं ये माननीय सदस्य के साथ अन्याय हुआ है, उसकी जांच कराने के लिए माननीय संसदीय कार्य ये किसी ये उस दिन मैंने खुद जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी जो थे उससे बात हुई मेरी, मैंने कहा कि नेता पुराने हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं लिखवा लूंगा, और घटना हुई है उनके साथ और जानबूझ करके घटना हुई है, उसका जवाब दे रहे माननीय संसदीय, मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरा कहने ये जीत का घमंड नहीं होना चाहिए, मैं भी जानता हूँ कैसे जीते हैं, अगर दिल्ली वाले नहीं आए होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती, दिल्ली वालों से जीते हैं इनकी बहुत सारे लोग बेईमानी से जीते हैं, वो तो आज जीतने का घमंड दिखाते हो, कोई जीतने का घमंड सुन लीजिए, कोई जीत ले माननीय अध्यक्ष जी, नहीं नहीं राजेश जी बैठिए माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने माननीय राजभर जी ने जब कहा था तो उसी वक्त जब उन्होंने अपना सदन के सामने नियम 56 की सूचना के संबंध में अपना वक्तव्य दिया तो मैंने उसी वक्त इस बात को कहा कि पूरी तरीके से न्याय होगा, दोनों मामलों में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा मान्यवर, ये मैं आपको आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं, ठीक है माननीय, और किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, घमंड की कोई बात ही नहीं है इसमें, जब मैंने कह दिया कि जो विवेचना है उसमें न्याय